हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग आइडिया लेकर के आई हूँ। अगर आपके पास 1.5 मीटर का कपड़ा पड़ा है, 2 मीटर का कपड़ा पड़ा है और आप विचार करते रहते हैं कि इसका मैं क्या यूज करूँ, कपड़ा अच्छा है, प्रिंट अच्छी है, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही अमेजिंग आइडिया जो कि यूट्यूब पर आपको पहले किसी ने नहीं बताया है। तो इस कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया है, पहले इसको 1 घंटे पानी में भिगोया, इसको सुखाया, फिर इसको प्रेस किया और अब मैं एक बार मेजर करके दिखाती हूँ कि ये कितना कपड़ा है। तो आपको इससे तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सच में हमने 1.5 मीटर कपड़ा ही यूज किया था। तो देखिए यहाँ तक 1 मीटर आ गया हमारा और इससे आगे 21 इंच है, मतलब कि 1.5 मीटर से सिर्फ 1 इंच ज़्यादा है जो कि हमारा कट हो जाएगा वो। तो 1.5 मीटर कपड़ा है हमारे पास। तो देखिए मैंने इसको वॉश किया तो इसकी कन्नी जो है वो टाइट रह गई, बाकी कपड़ा लूज हो गया, क्योंकि रियोन का कपड़ा ऐसा ही होता है, लूज हो जाता है धोने के बाद। तो सिलने से पहले, कटिंग करने से पहले आपको भी वॉश जरूर करना है, 1 घंटे के लिए भिगो के फिर उसको फटकार के सुखाना है, फिर उसको प्रेस करना है, फिर कन्नी कट कर लेंगे हम। उसके बाद इसको 4 फोल्ड किया है और ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा है जितना भी, उसको कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हमको लंबाई में 14 इंच की मार्किंग करनी है और 1 इंच हमको एक्स्ट्रा चाहिए जो कि सिलाई मार्जिन में जाएगा और जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई करना आती है तो भी आप इसको आसानी से बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 7 इंच पर और इधर भी हम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस मार्क को देखिए इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पर और किनोर के ऊपर हम गोलाई दे देंगे। ये गोलाई 1 इंच की है। अब देखिए जितनी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट यानी चौथे हिस्से पे आप मार्किंग करेंगे। मेरे इसमें 34 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा, कमर का चौथा हिस्सा, मतलब 4th पार्ट लेंगे कमर का। और फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास 1.5 इंच बच गया है इसमें सिलाई मार्जिन के लिए, तो पूरा रख लेंगे हम। नीचे से थोड़ा ज़्यादा है तो इसको कट करके निकाल देंगे यहाँ से। अब देखिए हमको गले की मार्किंग करनी है तो चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है 3 इंच की और लंबाई मैंने इसकी रखी है 2.5 इंच की। मुझे ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए, इसमें वोट नेक बन जाएगा, एक्सल साइज की कुर्ती है, गर्ल्स के लिए कुर्ती बन रही है तो मुझे ज़्यादा बड़ा गला इसका नहीं चाहिए। तो इस तरीके से देखिए राउंड में इसको मार्किंग कर लेंगे किनोर के ऊपर से और फिर अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है। तो सबसे सरल तरीका है, अगर आपने कभी कुर्ती नहीं सिली है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सिल लेंगे। और ये एक्सेल साइज की कुर्ती बन रही है, फिर से मैं बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमको 1 इंच पे मार्किंग करनी है और इधर की तरफ हमको ये मार्किंग इस तरीके से 4 इंच तक इसको इस तरीके से डाउन कर देना है। अब इसको यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, ओपन करके एक पार्ट निकाल देते हैं जो बैक पार्ट, उसको साइड में रख दिया। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर देखिए 1 इंच की गहराई से इस तरीके से गोलाई देंगे। कटिंग करते टाइम आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने 1 इंच की गोलाई दी है इसमें। अब फ्रंट नेक है उसकी 1 इंच की लंबाई बढ़ानी है हमको, तो ये 3.5 इंच हो जाएगा और इसकी भी इसी तरीके से जैसे शेप है वैसे ही गोलाई में कट कर देंगे इसको। तो ये फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब यहाँ पर सेंटर का मैंने कट लगा के छोड़ दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर टोटल लेंथ है हमारी 44 इंच की, तो 14 इंच इसमें से माइनस कर देंगे ऊपर से और 2 इंच फिर इसके अंदर प्लस करेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये 46 इंच है, 46 इंच में से हम 14 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 32 इंच बचेगा। तो हमको 32 इंच लेना है यहाँ से। अगर यहाँ से 32 इंच लेंगे तो हमारी कुर्ती की लंबाई 44 इंच बन करके तैयार होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कम या ज़्यादा आपको करना है। अब यहाँ से मार्किंग करके इसको हम कट करके निकाल लेंगे। मतलब अगर आपको 44 इंच की अगर लंबाई चाहिए कुर्ती की तो हमको इतना लेना है।
अब देखिए इसको कट करके हम दो पार्ट बना देंगे यहाँ से। अब इसको साइड में रखेंगे, ये दामन का पार्ट बन करके रेडी हो जाता है। अब ये कपड़ा बचा है हमारे पास, इसको फोर फोल्ड करेंगे यहाँ से हम इस तरीके से। चौड़ाई में ये हमारे पास 8.5 इंच आना चाहिए इस तरीके से। लेकिन मैंने ये 9 इंच लिया है, एक आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। फिर देखिए यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्क को ऊपर यहाँ पर 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे इसको। आर्मोल्स की शेप है ये। अब देखिए आगे से हमको जो इसकी मोरी चाहिए उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो टेढ़ा मेढ़ा है, पहले तो इसको सीधा कर देते हैं मार्किंग करके। फिर देखिए 10 इंच की मोरी है यहाँ पर, 2 इंच हमको सिलाई मार्जिन के लिए अलग से चाहिए, वो बाद में ऐड करेंगे। तो 10 का आधा आधा हमको मार्किंग करना है, मतलब 5 इंच की मोरी की मार्किंग की है, 2 इंच अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। और इस तरीके से 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है। अब देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे तो स्लीव्स कट हो जाएंगी। अब स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर 14.5 इंच जो है वो रेडी हो जाएगी हमारी बन करके। अगर आपको और लंबाई बढ़ानी है तो देखिए इस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे यहाँ पर ज्वाइंट आएगा, एक पट्टी बन जाएगी। और अब देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे हम स्लीव्स को, सीधी साइड दोनों स्लीव्स के अंदर है। और ये इसका सेंटर पार्ट से हम इस तरीके से इसको 1.25 इंच के लगभग इस तरीके से गोलाई देनी है आगे वाले आर्म होल्स में। और ये इसका सेंटर पार्ट है तो नोच लगाकर छोड़ना है सेंटर पार्ट को। अब लंबाई बढ़ानी है तो आगे की तरफ आप रख लीजिए इसमें पट्टी। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है और इसके अंदर की तरफ मैंने देखिए इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है प्रेस से। अब इसके ऊपर देखिए मैंने ट्रायंगल शेप की लेस रखी है जो कि सीधी साइड उसकी नीचे की तरफ है और जो उसकी शेप है वो अंदर की तरफ की है मैंने। और इस पट्टी की लंबाई जो है हमको 12 इंच की चाहिए लगभग, 11 इंच की होगी तो भी चलेगा क्योंकि आगे का जो गला है वो 3.5 इंच हमारा डाउन हो गया है, 14 इंच में से माइनस हो गया है। अब देखिए इसको इस तरीके से पलटेंगे यहाँ से और इसके ऊपर हम किनोर की सिलाई लगा देंगे। अब फ्रंट पार्ट लेंगे हम, फ्रंट पार्ट को मैंने आगे से कट लगा दिया था छोटा सा एक यहाँ पर, और एक कट हम नीचे की तरफ भी लगा देंगे। अब इसको सीधी साइड इस तरीके से फैलाएंगे और इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर पार्ट से सेंटर पार्ट मिलाएंगे इस पट्टी का। और फिर देखिए इस तरीके से हम इसको सील करके यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो दूसरी किनोर के ऊपर भी देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा के जो है इसको मैंने अटैच कर लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी रखी है जो कि गले की फिनिशिंग देनी है मुझे, और इसके ऊपर मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है और सेम साइज से कटिंग कर दिया है इसको। अब देखिए सिलाई में हमें 1/2 इंच से भी कम जो है सिलाई मार्जिन में दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। छोटे छोटे इसमें कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें अंदर की तरफ तो झोल ना आए। अब देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से रखेंगे इस पट्टी को और सिलाई मार्जिन के ऊपर हमको एक सिलाई लगा देनी है। और ये जो मैंने पट्टी ली है ये दूसरे कपड़े से ली है मैंने, तो आप जो है थोड़ा मैचिंग का कपड़ा हो तो दूसरे कपड़े से आप इस पट्टी को लगा सकते हैं क्योंकि ये पट्टी जो है अंदर की साइड फोल्ड होगी। फिर देखिए किनोर की सिलाई लगा दी है मैंने इसके ऊपर। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ कपड़ा दबाएंगे इस पट्टी का 2 पॉइंट के लगभग।
और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जब मैंने इस पट्टी को कट करके लिया था तो 2 इंच की चौड़ाई थी इसकी, और ये देखिए इस तरीके से राउंड में हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और सेम तरीके से हमें जो है बैक पार्ट है उसको भी रेडी कर लेना है, गले की पट्टी लगा करके इस तरीके से। ये देखिए बैक पार्ट के लिए गले की पट्टी मैंने रेडी कर रखी है, और ये हमारा बैक पार्ट हो जाता है। इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, सील करके अटैच कर देंगे, और इसके ऊपर भी सेम तरीके से हम फिनिशिंग दे देंगे। अभी देखिए हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की जो पट्टी है उसको मैंने फोल्ड नहीं किया था अंदर की तरफ। अब देखिए इस तरीके से रखेंगे फ्रंट पार्ट को, और फिर इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे फ्रंट पार्ट के ऊपर। सीधी साइड दोनों पार्ट की मैंने मिला दी है, और फिर देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे शोल्डर के ऊपर, डबल सिलाई लगा देंगे। अब देखिए जब हम इसको सीधा करेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ शोल्डर के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अब सेम तरीके से दूसरे तरफ का भी शोल्डर जो है वो ज्वाइंट कर लेंगे हम, और इस तरीके से इसको हम सीधा कर लेंगे। बाद में हाथ से तुरपाई कर देंगे अंदर की साइड पट्टी के ऊपर, और किनोर की सिलाई लगा दी है मैंने यहाँ पर, और तुरपाई करेंगे इसमें बाद में। अब देखिए हमने स्लीव्स ली है, तो स्लीव्स की लंबाई अगर बढ़ाना चाहते हो तो 2 इंच की पट्टी जोड़ लीजिए आगे, मैंने नहीं बढ़ाई। तो इसको ऐसे ही देखिए फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, और यहाँ किनोर की सिलाई लगा देंगे। अब देखिए स्लीव्स को इसके ऊपर अटैच करेंगे, तो ये जो सेंटर पार्ट है इसका, और ये सिलाई मार्जिन पीछे की तरफ करेंगे। ये देखिए ऐसे नहीं कि सिलाई मार्जिन को हम इधर की तरफ घुमा देंगे तो फिर यहाँ पर झोल आएगा, तो सिलाई मार्जिन पहले से जिधर की तरफ है पट्टी में उधर की तरफ पीछे की तरफ घुमा देना है। अब स्लीव्स को इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से सेंटर पार्ट से सेंटर पार्ट मिलाएंगे स्लीव्स का, और यहाँ से लगाना स्लीव्स को शुरू करेंगे। जब आप इस तरीके से स्लीव्स को अटैच करते हो तो जब भी आपको टाइट या लूज करनी होगी कुर्ती तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तो स्लीव्स को ज़्यादातर इसी तरीके से अटैच करती हूँ। अब देखिए इसको इस तरीके से पलट देंगे दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ से भी जो आधी स्लीव्स बच गई है वो अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। गाइज मैंने और भी बहुत सारी कुर्तीज़ के जो है अलग अलग डिज़ाइन बता रखे हैं, 2-2 मीटर के कपड़े से कम कपड़े में कैसे हम ज़्यादा घेर वाली अच्छी कुर्ती बना सकते हैं, तो उनके भी कमेंट जो है वो मैं उनके लिंक जो है वो कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वॉच कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है इस तरीके से, देखिए मैंने पतली सी तनी बना करके रेडी कर ली है, और ये तनी हमको 4 चाहिएगी पतली पतली, ये देखिए इस तरीके से। तो साइड में से कपड़ा बचा था स्लीव्स में से, उससे देखिए इस तरीके से मैंने ये लटकन बना के तैयार कर ली है। और लटकन मैंने कैसे बनाई है अगर इसकी वीडियो आपको देखनी है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी उसकी वीडियो भी। तो यहाँ पर मैंने 4 लटकन बना के ये तैयार कर ली है। तो छोटी बड़ी इसकी डोरी रखेंगे हम, एक साइड हमको 2 चाहिएगी तो साइड में रख देंगे एक बार उनको। तो अब देखिए टॉप पार्ट के साथ में हमको नीचे वाला पार्ट अटैच करना है, तो जो हमने लंबाई में कट करके रखे हैं पार्ट वो देखिए अब कैसे जोड़ेंगे हम। सीधी साइड दोनों की मिलाएंगे यहाँ पर, यहाँ से ये देखिए। अब 2 इंच तक हमको कोई चुन्नट नहीं डालनी है इसमें, 2 इंच तक ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, और सिलाई मार्जिन में हमको 1/2 इंच छोड़ना है। और देखिए यहाँ तक हमको इसमें जो है चुन्नट डालनी है, पट्टी के ऊपर भी मैं चुन्नट नहीं डालूंगी। तो यहाँ से मैंने देखिए 3 इंच पे मार्किंग कर दी है यहाँ पर इस तरीके से, और 3 इंच पे कर दी है उधर की तरफ सेंटर वाली पट्टी है उससे, तो इसके बीच में मैं कोई चुन्नट नहीं डालूंगी, और उससे बाहर की तरफ ही मैं चुन्नट डालूंगी यहाँ पर। तो 2 इंच मैं यहाँ से छोड़ रही हूँ इसमें चुन्नट डालते टाइम, और अब देखिए इसमें हम चुन्नट डाल लेंगे। तो पहले तो इस पार्ट को हम इस तरीके से कट करेंगे ताकि सेंटर का पता रहे हमको, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा घेर नहीं है। अब सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, अब जितना कपड़ा बचता है उसकी चुन्नट बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, और ज़्यादा चुन्नट इसमें नहीं आएंगे हमारे पास, ज़्यादा गेदर्स नहीं बनेंगे आपके, 2-3 बनेंगे तो उससे भी अच्छा लुक आ जाएगा बिल्कुल ही।
अब लास्ट में भी देखिए यहाँ तक सिलाई लगा देंगे इसमें। और अब यहाँ पर मैं चुन्नट बनाऊंगी तो छोटी छोटी दो तीन चुन्नट आएंगी दोनों तरफ, लेकिन कुर्ती का लुक बहुत प्यारा आएगा। और गाइस सिर्फ हमारे पास इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सिर्फ हमारे पास 1.5 मीटर कपड़ा था और चुन्नट हम सिर्फ 1.5 इंच की ही रखेंगे यहाँ पर, इससे बड़ी चुन्नट हमारे पास नहीं आने वाली है ये। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट अटैच कर लिया है और सेम तरीके से हमको बैक पार्ट अटैच करना है और इसको डबल सिलाई लगानी है यहाँ से। अब देखिए इस तरीके से सीधी साइड अंदर करेंगे, स्लूज से पकड़ेंगे और ये इसका सेंटर पार्ट है। देखिए ये सेंटर पार्ट है और अब देखिए मार्किंग कर लेंगे अंदर की तरफ। तो जितनी हमारी कमर का फोर्थ पार्ट है वहाँ पर देखिए इस तरीके से मार्किंग फिर से कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट में की थी। जितनी आपकी कमर है उसका फोर्थ पार्ट यहाँ सेंटर से लगा लीजिए और चेस्ट का फोर्थ पार्ट यहाँ पर लगा लीजिए ऊपर की तरफ। तो ये हमारी सिलाई के लिए मार्किंग हो जाएगी। और सेम तरीके से इधर की तरफ भी मार्किंग कर लीजिए। अब जो है हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाते टाइम किस चीज का ध्यान रखना है, जो मोरी थी वो हमारी 10 इंच की थी तो उससे जस्ट आधा हमको 5 इंच पे यहाँ पर मार्किंग करना है और इस मार्क को हम देखिए इस तरीके से मिला देंगे इसके साथ में। अब हमको जो है साइड वाले चौक है उसकी लंबाई का मार्क करना है। तो देखिए यहाँ से हम मार्किंग यहाँ से हम नाप लेंगे इसका और यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर 18 इंच पे मार्किंग करूँगी क्योंकि नायरा कट जो कुर्ती होती है उसके साइड चौक जो है वो थोड़े से ऊंचे ही होते हैं। अगर आप नीचे करना चाहते हो तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हो यहाँ से, लेकिन मैंने इसकी मार्किंग जो है वो 18 इंच पे ही की है। इस मार्क को यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे और अब जो है हमको सिलाई लगानी है वो यहाँ तक लेकर के आनी है। तो देखिए यहाँ पर हमको डोरी भी अटैच करनी है। अब यहाँ पर देखिए हम दो तनी लेंगे, जो डोरी हमने बनाई है वो रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर अब हम सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई यहाँ तक जाएगी। तो देखिए फिटिंग की सिलाई हमको कुछ इस तरीके से लगानी है, आर्म होल्स के जो जॉइंट है उसको आपस में मिला देना है। अब देखिए ये तनी इस तरीके से रखेंगे अंदर यहाँ पर। अब देखिए 2 पॉइंट दूरी पर हमको ये सिलाई लगानी है। सेम तरीके से हमने दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब सबसे पहले नीचे से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे डबल। ये देखिए सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब देखिए साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, एक किनोर की लगाएंगे और एक अंदर की तरफ लगाएंगे। तो ये हमारी डिजाइनर कुर्ती देखिए इस तरीके से बन करके तैयार हो जाती है और ये फाइनल लुक है हमारी कुर्ती का, आप देख सकते हो। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना आज का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।